बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पंजाब में मिस एडवेंचर शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले का फंदा बन गया। कप्तान का बर वक्त बड़ा वार हुकूमत को लेने के देने पड़ गए, बात समझ आने तक पानी सर से गुजर गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत ये सोच रही थी कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन एक प्लान ये बना रहे होते हैं और एक प्लान कप्तान की जानिब से बनाया जा रहा होता है। दोस्तों, कप्तान की ये नेचर है कि कप्तान कभी हार नहीं मानता। इमरान खान के क्रिकेट कैरियर से लेकर सियासी कैरियर को अभी तक आप देखें तो उसने मुल्क के घाघ सियासतदानों को इस अंदाज से जलील किया है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 14 की 14 इत्तेहादी जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। वो जो ये सोच रहे थे कि पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने जो खेल खेला है वो उनकी मर्जी से हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये सब कुछ कप्तान की मर्जी के मुताबिक हुआ है। वो किस तरह से इसकी तफसील आगे चल के बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी से चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए गए, इस बात का कप्तान को अच्छी तरह से अंदाजा था कि चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी वैसे तो वजीर आला के अंडर हैं, लेकिन अगर वो दस्तखत ना करते तो चौधरी परवेज इलाही डी नोटिफाई नहीं हो सकते थे। इसलिए रात को अंदर से कुंडी लगाकर जिस तरह दबाव से चीफ सेक्रेटरी से दस्तखत करवाए गए, उसी चीज को बेस बनाकर पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए गए। आखिर वो कौन थे जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जोर जबरदस्ती दस्तखत करवाए? चीफ सेक्रेटरी से तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन कौम के सामने ये सवाल रखे गए। दोस्तों, याद रहे कि 7 दिन पहले भी कप्तान की जानिब से असेंबलियां तहलील की जा सकती थी, लेकिन कप्तान ने ये वक्त क्यों दिया? ताकि बहुत सारे किरदारों को एक बार फिर बेनकाब करें और उनको हुदूद में रहने के लिए कहा जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कप्तान की गेम के मुताबिक सब कुछ होता गया और अब जो नून लीग के वुजरा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोना पीटना डाला गया है, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इन्हें पता ही नहीं था कि कप्तान खुद गेम खेल रहे हैं। ये जब उस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो एक दिन गुजरने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। जी हाँ दोस्तों, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से और तजियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपने आईनी हक से दस्तबरदारी यानी कि असेंबलियां तहलील ना करने की यकीन दहानी जो करवाई गई है, ये उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन ये उन्होंने ठीक किया है। उसकी वजह यह है कि जब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीरा पंजाब को डी नोटिफाई करने के फैसले को मुअत्तल किया गया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर की जानिब से गैर आईनी कदम उठाया गया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सदर पाकिस्तान के जरिए गवर्नर को रास्ते से हटाने के लिए आगाज कर दिया गया है, जिसका कानूनी जवाब भी मौजूद है कि इनकी जानिब से जो वजीर अला पंजाब को डी नोटिफाई करने का फैसला दिया गया था वो हाईकोर्ट की जानिब से कालादम करार दिया जा चुका है और उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी बेस पर कि इनकी जानिब से गलत फैसला करते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, लिहाजा अपनी आईनी हुदूद से तजावज करने पर गवर्नर को ओहदे से हटाया जाए, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब उनके पास आईनी और कानूनी जवाब मौजूद है कि हाई कोर्ट की जानिब से इनके फैसले को काल अदम करार दे दिया गया है। इसी वजह से नून लीग की जानिब से चीखें मारी जा रही हैं और इनके वुजरा की जानिब से कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट की जानिब से दिया जाने वाला फैसला उसमें सुकम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। इसका मतलब ये कि इनको गेम की समझ ही आ जाइए जब कप्तान की जानिब से अगला कदम उठा लिया गया है, और वो ताकतवर हल्के जो ये समझ रहे हैं कि कप्तान बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे, तो कप्तान खामोश नहीं बैठता। कप्तान की जानिब से हमेशा पलट कर झपटना और झपट कर पलटना, इसी अंदाज से सियासत की गई है और अब भी इसी अंदाज से उन्होंने 14 जमातों के इत्तेहाद को चारों शाने चित कर दिया है। अब आने वाले दिनों में सदर पाकिस्तान की जानिब से भी किसी चीज को जवाब बनाकर गवर्नर की तरह वजीर अजम शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात मार्च और अप्रैल में हो जाएंगे, जो कुछ हमने प्लान किया है सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उन्होंने कहा कि मैं किसी को मौका नहीं दूंगा कि इक्तदार के लिए अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाए। काफली के साथ इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने कहा कि काफली के साथ हम इत्तेहाद करें क्योंकि उन्होंने साथ दिया है।
अदालत ने हमें मौका दिया कि जब मर्जी एतमाद का वोट लें। पीर को कौमी असेंबली अराकीन के इस्तीफों की तस्दीक के लिए उन्होंने जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिलावल ने मुझसे ज्यादा बैरूनी मुल्क दौरे किए। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने ज्यादा बैरूनी दौरे किए, इतने तो जब मैं वजीर आजम था मैंने भी नहीं किए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि बिलावल अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं तो क्या बिलावल भुट्टो के ये निजी दौरे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, इक्तदार की खातिर अवाम को ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फॉरेन फंडिंग की कोई रसीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जमातों का इकट्ठा केस चले। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त मेरा कोई रबता नहीं, जनरल बाजवा से रबता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है और मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी और मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब अपने आप को बंद गली में धकेलना है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत इंतखाबात को 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फोन करके मिजाज पुरसी की थी तो मैंने उनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेल में कैद बाकी लोगों को क्या कसूर है। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में उन्होंने वाजे तौर पे पैगाम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को भी दे दिया कि जो कुछ अब हो रहा है ये काबिले कबूल नहीं है, आने वाले दिनों में सियासत से दूर रहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नून लीग को जब इमरान खान की गेम की समझ आई है तो उन्होंने खाई हुई मिठाई की उल्टियां करनी शुरू कर दी हैं। यानी इस वक्त उन पर वो लतीफा सादर आ रहा है कि जब एक बच्चा अपने बाप के साथ चिड़ियाघर में जाता है तो चिड़ियाघर में तमाम जानवर हंस रहे होते हैं लेकिन एक जानवर खामोश होता है। दूसरे दिन फिर बच्चा चिड़ियाघर में जाता है तो उस वक्त तमाम जानवर खामोश होते हैं तो वो एक जानवर हंस रहा होता है, वो जानवर होता है खोता यानी कि गधा। और गधा जब हंस रहा होता है तो उसका बेटा अपने बाप से पूछता है कि क्या वजह है कि कल तमाम जानवर हंस रहे थे ये खामोश था, अब तमाम जानवर खामोश हैं तो ये हंस रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कल बंदर ने एक लतीफा सुनाया था, इसको आज उसकी समझ आई है। तो इमरान खान के बिछाए हुए जाल में हुकूमत की ये 14 की 14 जमातें और ताकतवर हलके आ चुके हैं और आज उनको समझ लग रही है कि असल में एक कप्तान की जानिब से क्या गेम खेली गई थी। अब आने वाले दिनों में कप्तान कौन सी सियासी चालें खेलते हैं इसके बारे में कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन जो भी होगा वो इमरान खान के हक में होगा। दोस्तों जो 14 इत्तेहादी जमातें कहती थी कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज वो इमरान खान की सियासत पर चारों शाने चित हो चुके हैं। 14 इत्तेहादी जमातों और गाग सियासतदानों को कप्तान ने इस अंदाज में सियासत में पिछाड़ के रखा है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। इदारों को भी अब अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि कप्तान के खिलाफ किया जाने वाला कोई भी कदम उनके गले ही पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में यही रिहर्सल एक दफा वफाकी हुकूमत में भी सदर पाकिस्तान की जानिब से की जा सकती है। यही कप्तान ने पैगाम दिया है और कानूनी जवाब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामने आ चुका है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।